दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रोहित शर्मा के बारे में, जिनका एक रिएक्शन वीडियो आज के मैच से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अगर आप भी उस वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। IPL 2021 का 17वां मैच रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच चेन्नई के MH चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में पंजाब के कप्तान KL राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव के साथ उतरी है। मुंबई को इस मैच में शुरुआत ज़्यादा अच्छी नहीं मिली। वहीं पहला विकेट गिरने के बाद झारखंड के युवा बल्लेबाज ईशान किशन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। इसी दौरान मैच की शुरुआत में कप्तान रोहित शर्मा की तरफ से एक रिएक्शन देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो उस वक्त का है जब पहली ओवर की 4 गेंदों के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर बिना विकेट खोए 3 रन था। पंजाब के लिए पहले ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे मोइजेज हेनरिस। तभी 5वीं गेंद रोहित के बल्ले के पास से गुजरती हुई विकेट कीपर KL राहुल के हाथों में चली गई। उसी वक्त विकेट कीपर और गेंदबाज की अपील पर अंपायर ने रोहित शर्मा को आउट दे दिया। वहीं हिटमैन को लगा कि गेंद उनके बल्ले से लगी नहीं है, इसलिए उन्होंने अंपायर की तरफ नाराजगी में कुछ ऐसा इशारा किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।